चलिए आज हम शुरू करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो रक्त होता है वो सर से नीचे की ओर जाता है। अब हम पैर से पूरे ब्लड को सर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, और इसके फ़ायदे ये हैं कि आप इसमें आपके जो भी पिंपल्स हैं, आपके ब्लैक हेड्स हैं वगैरह जितने भी हैं उन्हें रिमूव करने का फ़ायदा मिलता है। और सबसे अच्छा है किसी को भी सर दर्द वगैरह हो तो वो भी जो सबसे लंबा जितने भी पुराने से पुराना सर दर्द है वो भी सही हो जाता है। और आजकल के भाग दौड़ में हम देख रहे हैं लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी हम इस आसन को कर सकते हैं। और जिससे नहीं होता है उसे क्या करना है, उसे दीवार के सहारे करना है। ठीक है, अभी मैं आपको नॉर्मल बैलेंस करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आराम से बैठ जाना है और आपके दोनों हाथ इंटरलॉक होंगे। ठीक है, इंटरलॉक होके आपको अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे रखना है और एल्बो को पैरेलल करना है। ज़्यादा आपके जो आपकी एल्बो है वे आउट नहीं होंगी, नॉर्मल आपको यहाँ पे रहना है। ठीक है, माउंट ऑफ द हेड आपका ज़मीन पे आएगा, ज़मीन पे आके नॉर्मल आपको अपने पैर सीधे करने हैं। पैर सीधे करके आपको स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए दोनों पैर ऊपर करेंगे और बिजनेस है वो यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको एडवांस पे करना है, एडवांस पे आप नॉर्मल स्ट्रेट लैग कर देंगे, धीरे से बिल्कुल लैग स्ट्रेट रहेगी और आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेट। और यहाँ पे आप धीरे से आंखें बंद करके आराम भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं आप, वरना आप यहाँ पे होल्ड करेंगे और धीरे से आ जाएंगे। इसके एकदम बाद आपको उठना नहीं है, इसके बाद आपको शशांक आसन करना है। शशांक आसन में क्या करेंगे, दोनों हाथ सामने कर देंगे, हेड को डाउन कर देंगे। जब आपका फेस बिल्कुल रिलीफ हो जाए, आपको ज़्यादा भारीपन ना हो, नॉर्मल पीछे आ जाए। ध्यान रखिए आप एक बात का, जब भी आप हेड स्टैंड करते हैं तो आपका पूरा ब्लड आपके सर की तरफ आएगा, आपको एकदम से वापस नहीं आना है, उसमें आपको शशांक आसन करना ज़रूरी है। धन्यवाद।